ओके अरे तू अगे कर थोड़ा बह सकते ना के अंदर जो जमीनी इंतखाब का शेड्यूल आया है उसके तहत हम अपने गायक इमरान खान साहब के कागजात पे नामजदगी आज हल्का 108 के ज़मीनी इंतखाब के लिए यहाँ पर जमा करवाने आए हैं। और ये मैं समझता हूँ कि फैसलाबाद की ये खुशकिस्मती है और हल्का 108 के रहने वालों के वहाँ के वोटर्स की खुशकिस्मती है कि उनके जो महबूब कायद हैं उनको वो पहली बार बराह रास्त अपना जो है वो वोट कास्ट कर सकें। और मैं समझता हूँ कि हमने इन असम्बलियों से 130 इस्तीफे दिए जो कासिम सूरी ने कबूल किए, लेकिन उस इस्तीफों में से इन्होंने 11 इस्तीफे जो है मंजूर करके उसमें ज़मीनी इंतखाबात अनाउंस किए। तो हम बताना चाहते हैं कि 17 जुलाई को पहले ही अवाम ने जब ज़मीनी इंतखाबात थे 20 हलकों के अंदर तो इनकी दुर्गत बनाई, उसके बाद ये इतने खौफजदा हो चुके हैं कि खौफजदा होकर इन्होंने फाशिस्ट इकदाम शुरू कर दिए हैं और मीडिया के ऊपर शब खून मारा जा रहा है। और जिस अंदाज से सहाफ़ियों के ऊपर FIRें, उनको धमकियां, उनकी गिरफ्तारियां और ARY के बंदिश, उसका NOC कैंसिल करना, ये यहाँ पर इन्होंने आमरियत से भी चार हाथ जो है वो आगे निकल गए और ये खौफजदा हो चुके हैं कि जो इनका बयानिया जो झूठ पर मबनी है, जो करप्शन पर मबनी है, जो चोरी पर मबनी है, अगर कोई चैनल वो नहीं चलाएगा, जो इनका खुतबा नहीं पड़ेगा उस चैनल का NOC कैंसिल कर दिया जाएगा, उसको पैमरा से केबल ऑपरेटर्स को धमकियाँ लगा के ऑफ एयर कर दिया जाएगा। तो ये मैं समझता हूँ कि इन्होंने आईन और कानून की भी खुलेआम खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। मैं इनको चैलेंज करता हूं कि ये आईन आकर इंतखाबी मैदान में इमरान खान का मुकाबला करें। और ये जो चोर दरवाजे इन्होंने निकाले हुए, इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने अभी तक जो है वो आवाम को चार माह में रिलीफ किया।